अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, टेक आउट योर ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल, ओपन पेज 55, चैप्टर 9, द थ्री स्पिनर्स। नाउ चिल्ड्रन स्टार्ट रीडिंग। लॉन्ग अगो इन अ फार ऑफ लैंड देयर लिव्ड अ यंग गर्ल कॉल्ड मोर्ना। शी लिव्ड with her mother Parla. Every day Parla walked to the market and bought flax. Then she worked hard the whole day, spinning it into yarn. Morna did not help at all. She was very lazy. One day Parla scolded Morna for not helping. Morna screamed loudly too. The queen of the land was driving past on. Children, इस चैप्टर में हमें बहुत सारे करेक्टर्स मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट हमारे पास यंग गर्ल है मोर्ना और उसकी मदर नेम है परला। ओके चिल्ड्रन, फिर इस स्टोरी में बताया गया है कि परला एक बहुत हार्ड वर्किंग वूमेन है और उनकी बेटी मोर्ना जो है वो बहुत लेज़ी है। परला ऑल द डे वर्किंग करती है और एक दिन जब वो अपनी लेज़ी गर्ल को देखती है कि वो उसकी बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही, तो फिर वो क्या करती है, उसको मारती है। और मोर्ना जो है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। तो वहाँ से बेटा कौन गुज़रती है, उस लैंड की क्वीन। नाउ टर्न द पेज चिल्ड्रन and now open page number 56 and start reading of this page. Okay, the road, and she stopped her carriage. What is that horrible noise, she asked. Wo puchti hai beta queen ki ye itni horrible noise kiski hai. Parla did not want to tell the queen about her lazy daughter. Beta mother Parla jo hai वो क्वीन को ये बात नहीं बताना चाहती थी कि उनकी बेटी डॉटर कितनी लेजी है। दिस गर्ल स्पेंड्स ऑफ डे, परला सेड, शी वॉज अपसेट बिकॉज आई डू नॉट हैव मनी टू बाय मोर फ्लैक्स फॉर हर। वो उनको बताती हैं कि ये सारा दिन स्पेंड करना चाहती है लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसको और फ्लैक्स ला के दूँ। आई लव टू हेयर द साउंड ऑफ स्पिनिंग, said the queen. Your daughter can come with me. I have plenty of flax. She may spend all day and all night. बेटा क्वीन बहुत खुश होती हैं और वो बताती हैं कि मुझे स्पिनिंग का साउंड जो है वो बहुत पसंद है, और वो कहती हैं कि मैं आपकी डॉटर को अपने साथ ले जाती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत प्लेंटी, बहुत ज़्यादा फ्लैक्स भी है और वो दिन रात स्पिन कर सकती हैं। द मदर वॉज हैप्पी इन हर हार्ट। द क्वीन टुक मोर्ना टू हर कैसल, कैसल महल में। शी शोड मोर्ना थ्री रूम्स दैट वर पेल्ड हाई विद फ्लैक्स। हेयर यू आर, सैड द क्वीन, स्पिन दिस फ्लैक्स फॉर मी एंड यू कैन हैव माई सन फॉर योर हस्बेंड। वो बेटा क्वीन बताती हैं कि यहाँ पर अब आप अपने कैसल महल में ले जाती हैं और उसको रूम्स दिखाते हैं, जो थ्री रूम्स जो हैं वो फ्लैक्स से भरे हुए होते हैं कि अब आप इस पे काम करो और आप जब हार्ड वर्किंग करोगे और मुझे फ्लैक्स बना के दोगे तो मैं अपने बेटे से आपकी शादी कर दूँगी। मोर्ना वॉज फिल्ड विथ फियर, शी हैड नेवर स्पन एनी फ्लैक्स। यू आर अ पुअर गर्ल एंड माई सन is a prince, said the queen, but that is not important. You work hard, that is more important. Queen kehti hai tum ek gareeb girl ho aur mera beta ek prince hai, lekin mere liye ye baat important nahi hai. Mere liye important kya hai ki tum ek hard working girl ho. Okay, kyunki uski mama batati hai morna ki ki meri beti ek hard working hai. The queen went away. Morna started to cry.
She did not stop for 3 days, and she did not spin any flax. On the third day, the queen came. "Oh," said the queen, "why have you not spun any flax?" "I was too sad," replied Morna. "I could not walk because I missed my mother." बेटा, 3 दिन बाद प्रिंस क्वीन आती हैं और पूछती हैं कि आपने कोई फ्लैक्स नहीं, जब वो देखती हैं तो कुछ भी फ्लैक्स नहीं बनाया गया, कि वो कहती हैं कि तुमने कुछ भी नहीं बनाया। तो मोरना को तो बेटा बनाना ही नहीं आता, वो तो एक लेजी गर्ल थी। तो वो क्वीन को क्या आंसर देती है कि आई मिस्ड माई मदर। वो कहती है मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, अफसोस में हूँ कि मैं और मैं अपनी मामा को मिस कर रही हूँ, इसलिए मैंने कोई फ्लैक्स नहीं बनाया। All right, replied the queen, but you must start working for me tomorrow. वो कहती है अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन कल से तुम मेरे लिए काम करना शुरू कर देना। The queen went away. Morna did not know what to do. She cried and cried. When she looked out of the window, she saw 3 women passing by. अभी वो बेटा अफसोस में ही होती है और वो रो रही होती है के विंडो से बाहर देखती है तो उसे 3 वुमेन नजर आती हैं। ओके, द फर्स्ट वुमेन हैड अ वेरी ब्रॉड फुट, इट वॉज ह्यूज। द सेकेंड वुमेन हैड अ वेरी लार्ज अंडर लिप, इट हंग डाउन टू हर चिन। बेटा, एक का फुट बहुत ब्रॉड होता है और दूसरी वाली वुमेन का लिप जो है वो हंग डाउन कर रहा होता है, उसकी चिन को टच कर रहा होता है। Now, children, open page 58. Start reading. The third woman had enormous thumb. It was like a cucumber. Beta, third wali ka thumb, angutha, itna mota hota hai, jaise cucumber. Why are you crying? Asked the woman, stopping under the window, sobbing loudly. Morna told them the whole sad story. The women whispered to each other, "We are not beautiful," said the first, "but we can spin that flax for you in no time," said the second. Beta, वो उसको बताती हैं कि हम खूबसूरत नहीं हैं, लेकिन हम तुम्हारे लिए flax बना सकते हैं। You must invite us to the wedding and not be ashamed of us. Said the third. वो कहते हैं कि अच्छा तुम अपनी वेडिंग पे, अपनी शादी पे हमें इनवाइट करोगी और हमारे पे कोई शेम फील भी नहीं करोगी जब हम तुम्हें फ्लैक्स बना के देंगे। Surely, answered Morna, letting them in. The woman started to spin right away. बेटा, वो कहती है Surely, yes, मैं ज़रूर ऐसा करूँगी, और वो लोग स्पिन बनाना शुरू कर देती हैं। The first drew the thread and thought the wheel. The second made the thread wet with her lip. The third pressed the flax and beat it on the table. Soon the room was filled with the finest thread and then all 3 rooms were full. और बेटा, क्या होता है कि वो तीनों अपने कामों पे लग जाती हैं और इस तरह वो बहुत प्यारा फाइन थ्रेड बनाती हैं। नाउ ओपन पेज 59, स्टार्ट रीडिंग। बेटा, गुड बाय, सेड द वुमेन, डोंट फॉरगेट, इनवाइट अस टू द वेडिंग एंड यू विल बी हैप्पी। वो कहती हैं कि ठीक है, वो काम कर लेती हैं, सारा फ्लैक्स बना देती हैं, बहुत फाइन थ्रेड बना के, धागा बना के देती हैं बेटा, फिर गुड बाय कहती हैं, फिर वो कहती हैं कि हमें इनवाइट ज़रूर करना। When the queen came, she was pleased to see all the thread. Very soon, the wedding was announced. The prince was pleased too. बेटा, क्वीन जब आती है और जब सारा कुछ काम देखती है, थ्रेड देखती है, तो वो बहुत खुश होती है और उनकी वेडिंग को अनाउंस्ड कर देती है। प्रिंस, वो भी बहुत प्लीज, बहुत खुश होता है। आई एम सो हैप्पी, सेड द प्रिंस टू द क्वीन एंड मोरना, आई विल हैव अ क्लेवर, प्रीटी एंड हार्ड वर्किंग वाइफ। द
प्रिंस क्यों खुश होता है? बेटा वो बहुत खुश होता है, वो मोरना को और क्वीन को बताता है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी वाइफ कैसी है बेटा, मोरना के बारे में बताता है कि वो एक क्लेवर है, प्रीटी है और हार्ड वर्किंग है, तो वो प्रिंस बहुत खुश होता है। आई हैव थ्री आंट्स, मोरना टोल्ड हिम, मे आई इन्वाइट देम टू आवर वेडिंग एंड अलाउ देम टू सिट विद अस। फिर मोरना को याद आता है और वो अपने प्रिंस से और क्वीन को कहती है कि मेरी थ्री आंट्स आंटियां हैं जिनको मैं इनवाइट करना चाहती हूँ अपनी वेडिंग पे, और आप अलाउ करें कि वो हमारे साथ बैठें। द क्वीन एंड द प्रिंस सेड यस। व्हेन द वेडिंग फीस्ट बिगिन द थ्री वुमेन केम इन। जब शादी के रसूमात वगैरह बेटा शुरू होती हैं तो वो वुमेन आती हैं तीनों। वेलकम माई स्वीट आंट, सेड मोरना। मोरना बेटा उनसे बहुत अच्छी तरह मिलती है ये सोचे बगैर कि वो कैसी दिख रही हैं और कैसी हैं, वो उनको अच्छा वार्म वेलकम करती है। हाउ इज इट यू हैव सच अगली आंट्स, द प्रिंस आस्क मोरना लाउडली। वो उनसे जब प्रिंस देखता है तो वह हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि ये इतनी अगली अगली बेटा, जो दिखने में हमें अच्छी नहीं दिखती, शक्ल की अच्छी प्यारी नहीं होती, वो कहता है तुम्हारी अगली आंट हैं। दे देन ही टर्न टू द थ्री वुमेन। वो मोरना से लाउडली जोर से पूछता है और फिर उन वुमेन की तरफ जाता है। व्हाई हैव यू सच अ ब्रॉड फुट, आस्क द प्रिंस। अब वो पहले सबसे पहले एक वुमेन से पूछता है जिसका ब्रॉड फुट होता है कि आपका ब्रॉड फुट क्यों है। Now open page number 60. From pressing the pedal, answer the first. First वाली बताती है कि उसका broad foot इसलिए है कि वो pedal को press करती है। Why have you such a overhanging lip? Ask the prince. दूसरी वाली से पूछता है बेटा कि overhanging lip, इतना नीचे से मोटा lip उसका कैसे है। From making the thread wet. Replied the second. वो वाली बताती है बेटा सेकेंड वाली के थ्रेड को वेट करने के लिए, गीला करने के लिए वो अपने लिप को इस्तेमाल करती थी, इसलिए उसका लिप इतना मोटा हो गया। Why have you such a big thumb? Asked the prince. और फिर लास्ट में जिसका क्यूकम्बर जैसा थंब था बेटा, वो पूछता है कि आपका इतना बिग थंब क्यों है। From switching the thread. Yes, from ट्विस्टिंग द थ्रेड। बेटा ट्विस्टिंग, वो थ्रेड को ट्विस्ट करती थी, आंसर द थर्ड। देन द प्रिंस लुक वरीड। अब प्रिंस जो है वो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसको लगता है मोरना भी ये सारे काम करती है। वॉट इज इट, आस्क मोरना। आई हैव सीन योर आंट्स, आंसर द प्रिंस। यू विल नेवर स्पिन एनी फ्लैक्स एज लॉन्ग एज यू लिव। बेटा वो इतना डर जाता है उन तीनों वुमेन को देख के कि वो मोरना को कहता है कि अब तुम कभी भी स्पिन नहीं करोगी, फ्लैक्स नहीं बनाओगी, क्योंकि वो अपनी वाइफ को एज अ प्रीटी, जितनी वो प्रीटी जितनी वो क्लेवर थी वैसा ही चाहता था। बस नाउ चिल्ड्रन ओपन योर नोटबुक एंड मेक द टाइटल पेज द थ्री spinner. On the next page, beta, put the date and day and write. On the next page, beta, put the date and day and write new words. Flax, spinning, scolded, scream, garret, horrible, important, enormous, whispered, ashamed, announced, wedding, feast, twisting, worried. You copy down all these words in your notebook. Now turn the page and write the word meanings. Put the date and day and write word meanings. Horrible, very unpleasant, not at all nice. Castle, a large safe building like a fort. Enormous, very large, huge. Ashamed, feeling shame, feeling bad for doing something wrong. Announced, made known to others.
बेटा इट इज़ योर रीडिंग चैप्टर, इस चैप्टर की बेटा हमने सिर्फ रीडिंग करनी है और न्यू वर्ड्स और वर्ड मीनिंग्स को लर्न करना है। बेटा इस चैप्टर में हमने क्वेश्चन आंसर या कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर द थ्री स्पिनर्स, दिस चैप्टर इज ओनली फॉर योर रीडिंग प्रैक्टिस।